हेलो ब्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल शुक्लास एटीट्यूड एंड आई एम शुक्ला। सो आज मैं जिस रेमेडी के बारे में बात करने वाली हूँ, उसको सिर्फ आप अपनी हेयर में लगा ही नहीं सकते हो, उसको आपको खाना भी पड़ेगा। इसको लगाने से आपकी हेयर बाहर से जितनी स्ट्रॉन्ग उतनी ही स्मूथ सॉफ्ट बनेगी। आपकी हेयर में ये कंडीशनिंग के काम करेगी और उसके साथ साथ इसको पीने से आपकी हेयर अंदर से हेल्दी मजबूत और बहुत ही वॉल्यूमिनियस बाउंसी होगी। तो ऐसी एक रेमेडी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसको मैं कुछ डेज से यूज़ कर रही हूँ एंड वन मोर थिंग मैं तो बताना ही भूल गई, इस ड्रिंक से आपकी वेट लॉस भी होगी। और अगर आप वेट लॉस नहीं करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपकी स्किन ग्लोइंग फ्लॉलेस हो जाएगी। तो ऐसी एक मैजिकल रेमेडी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो आप देख ही सकते हो ये वन वॉश एप्लीकेशन है, मतलब एक बार ही मैंने इसको लगाया है और उसके बाद ही मेरी हेयर इतनी सॉफ्ट हो गई है कि मैं अपने हाथ जो है अपने बालों से नहीं हटा पा रही। तो चलिए ऐसी एक मैजिकल रेमेडी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट। ये कोकोनट आपको लेना है, वन कोकोनट आपको लेना है। अगर आपकी हेयर की लेंथ ज़्यादा नहीं है तो आप कम भी ले सकते हो। तो इसको आपको अपने बालों के हिसाब से लेना है और इसको आपको पीना भी है, तो हाफ कोकोनट को आपको लेना ही होगा। तो इसकी जो ऊपर की ब्राउन कलर की जो पोर्शन है, मतलब पीलिंग करना है इसको आपको एंड देन इसको स्लाइस करना है। क्योंकि हमें इसको पीना है तो इसीलिए इसकी ब्राउन पोर्शन हमको हटाना ही है। तो इस कोकोनट की कितनी सारी बेनिफिट है, चलिए काम करते करते ये भी हम जान लेते हैं। इस कोकोनट मिल्क में है MCT, मतलब मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। ये हमारी वेट लॉस में हेल्प करती है। कैसे? ये हमारी एपेटाइट को डिक्रीज करती है एंड हमारे और वेट लॉस में हेल्प करती है। इसमें होती है एंटीऑक्सीडेंट, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, हमारे हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत ही अच्छी है एंड इम्यून सिस्टम को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसके साथ साथ ये हमारे हेयर की हेल्थ के लिए कैसे हेल्प करती है, क्योंकि ये हमारी एनीमिया को प्रिवेंट करती है। और अगर आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी हेयर एंड स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है, उसके साथ साथ होती है पोटेशियम, जो हमारी वेट लॉस में हेल्प करती है एंड हमारी हेयर की हेल्थ के लिए ये प्रोटीन बहुत ही अच्छा है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप तो देख ही रहे होंगे कैसे हमने इस कोकोनट से कोकोनट मिल्क को हम सेपरेट करेंगे। तो ये कोकोनट मिल्क ही आज की रेमेडी की मेन इंग्रेडिएंट है। इसको ही हमको एक अलग प्रोसेस से एप्लीकेशन करना है। इस कोकोनट मिल्क से ही आज हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क हेयर मास्क। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने बालों के हिसाब से कोकोनट मिल्क को मैंने ले लिया है, आपको भी अपने ही बालों के हिसाब से लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें डालूँगी ऑर्गेनिक हनी। ऑर्गेनिक हनी भी हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये हमारी हेयर को कंडीशनिंग करती है एंड स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, ताकि हेयर ग्रोथ हो। तो इन दोनों चीज़ को आपको मिक्स करना है। उसके बाद आपको लेना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत कुछ बताया कि ये हमारी हेयर की हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है। तो ये आपको देना है 1 टेबल स्पून करीब। देन इन तीनों चीज़ को आपको क्या करना है, डबल बॉयलर मेथड में थोड़ा सा वार्म करना है, ताकि ये सारे चीज़ एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, एक अच्छी सी हेयर मास्क बन जाए। तो ये आपको करना है उतनी टाइम तक जब तक ये जो पानी है ये ठंडी ना हो जाए।
अबाउट 5 मिनट्स के बाद ही आप देखना ये पानी ठंडी हो जाएगी, एंड तब तक आपको ऐसे स्पून की मदद से इसको हिलाना है। देखिए ये हमारा मिक्सर है, मिक्स हो गई है मिक्सचर पूरी तरह से, सब कुछ मतलब सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो आप हमें क्या करना है, इसको बाहर निकाल लेना है, एंड ऐसे ही थोड़ी सी वर्म आपको इसको आपके बालों के पूरे लेंथ में एंड स्कैल्प में लगाना है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी आप देख लीजिए कैसे लगाना है आपको। लगाने से पहले आपको पूरे हेयर को कॉम करना है, अच्छे से डिटेंगल करना है। डिटेंगल करने के बाद आपको ऐसे ही इसको लगाना है। तो लगाने की प्रोसेस देख लीजिए। लगाने के बाद अपनी हेयर को ऐसे ही टाई करना है, एंड आपको 1 आवर के लिए इसको रखना है ऐसे ही। 1 आवर के बाद आपको कोई भी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करना है। माइल्ड शैम्पू आपको आप घर में कैसे बना सकते हो वो भी मेरे चैनल में एक वीडियो है, तो आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी माइल्ड शैम्पू होती है जो मैंने घर में ही बनाया, एंड अपने घर में जो भी शैम्पू होगी उससे ही आप बना सकते हो। तो आप कोशिश कीजिए उस वीडियो को देखने की, अगर आपके पास माइल्ड शैम्पू है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करने के बाद यू कैन सी माय हेयर ऐसी सॉफ्ट हो गई है, मतलब कंडीशनर की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है इसको लगाने के बाद। और अगर आप चाहते हो कंडीशनर की यूज़ करना, अगर आपके हेयर बहुत ही ड्राई फ्रीजी है, तो आप एक एलोवेरा कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, जिसकी भी बनाने की जो प्रोसेस है वो मेरे चैनल में है, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो लगाने के बाद आपकी हेयर भी ऐसे ही कंडीशनिंग स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाएगी, एंड अगर आप इसको रेगुलरली अप्लाई करते हो तो आपकी हेयर ग्रोथ में भी ये हेल्प करेगी। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।